गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रेन। आज हम आप लोगों को आर एस शिटेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगतों में प्राणी जगत की चर्चा कर रहे हैं। एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, इस जगत के अंतर्गत प्राणियों एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी यानी प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक अर्थात सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े जीवों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन इस जगत के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं कि जंतुओं का शारीरिक संगठन स्तर जो होता है, ये स्तर कोशिकीय स्तर से लेकर के कोशिकीय स्तर से ऊतकीय स्तर का होता है। कहने का मतलब एक कोशिकीय प्राणी से लेकर के बहुकोशिकीय प्राणी अर्थात ऊतकीय स्तर का संगठन होता है। और इसके साथ साथ इनमें केंद्रक की बात जो आई है, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, जिनके चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है। द्विकोरिक और त्रिकोरिक दोनों अवस्थाओं में होते हैं। साथ ही साथ इनमें स्पष्ट केंद्रक, विकसित केंद्रक, अन्य प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, गालिका, एडिक्टियोसोम, राइबोसोम, तमाम प्रकार के जो कोशिकांग हैं वो भी कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इन प्राणियों का अध्ययन हम प्राणी जगत के अंतर्गत करते हैं जिनमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इन्हें जो है लेमार को और अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है वर्गीकरण किया है। तो वैसे वर्गीकरण के स्तर में हम इसमें जंतुओं का अध्ययन यानी वर्गीकरण की श्रेणी में देखते हैं। तो इस स्तर पर हम इन्हें 10 संघों में विभाजित करते हैं और इन 10 संघों के नाम जो है निम्न प्रकार से हैं और इन्हीं संघों को हम स्पष्ट करेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहला संघ है यानी देखिएगा जंतु जगत को 10 संघों में बांटा गया है। नंबर एक है भैया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। नंबर दो है पोरीफेरा। नंबर तीन है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या इसको निडेरिया भी कहते हैं। और चौथा नंबर है एस्केल हेलमिंथीस। एस्केल मेंथीस मेंथीज और पांचवा नंबर है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीस छठा नंबर इसमें आता है एनिलिडा। एनिलिडा
और सातवां नंबर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इसके बाद मोलस्का, मोलस्का और नाइन नंबर जो है इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा इकाइनोडर्मेटा और टेन नंबर है कार्डेटा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जंतुओं को जो है यानी 10 संघों में विभाजित किया गया है।